हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीड। सीड क्या है? हम कह सकते हैं कि सीड इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इन अदर वर्ड्स, सीड इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट है सीड। सीड इट इज कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, और सीड कोट होते हैं दो, जो बनते हैं आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट से। तो आउटर इंटेग्यूमेंट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है उससे सीड कोट बनता है टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट इससे सीड कोट बनता है टैगमैन। और एक सीड ये बना होता है सीड कोट, कोटिलिडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस से। कोटिलिडॉन, द कोटिलिडॉन ऑफ द एम्ब्रियो, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर। कि मोनोकोट में होता है वन और डाइकोट में होते हैं टू। जनरली थिक, स्वेल्ड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेग्यूम्स, या फिर हम बात करें तो पी एंड ग्राम, तो इसमें कोटिलिडॉन्स ये होते हैं काफ़ी बड़े, और इसका रीज़न होता है कि दे स्टोर रिजर्व फूड। यहाँ पर ये सीड का जो डायग्राम है, ये सीड है मोनोकोट का स्कूटेलम, और ये रिप्रेजेंट करता है कोटिलिडॉन इन मोनोकोट्स। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये बना होता है कोलियोप्टाइल एंड प्लीम्यूल तथा रेडिकल एंड कोलियोराइजा का। सीड्स आर टू टाइप्स, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड, इसमें सीड ये रिटेन करते हैं एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इन ओव्यूल, तो ये कम्प्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करता है, तो कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बच जाता है। तो इसके एग्जांपल हैं वीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर एंड कैस्टर। तो यहाँ ये है मोनोकोट सीड, और इसमें स्कूटेलम ये रिप्रेजेंट करता है कोटिलिडॉन को। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा एरिया ये है एंडोस्पर्म का। नॉन एल्बुमिनस सीड, इसमें सीड्स दे डोंट रिटेन एंडोस्पर्म। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि इसमें एंडोस्पर्म ये होता है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स पी, ग्राउंडनेट एंड मोस्ट ऑफ डाइकोट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेम ऑफ डाइकोट्स हैविंग एल्बुमिनस सीड, तो इसका एग्जाम्पल होगा सनफ्लावर एंड कैस्टर। और कैस्टर होता है रिसिनस कम्युनिस, जिसे कहा जाता है अरंडी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस में वाटर की कहीं कोई नीड नहीं होती है। कि विदाउट वाटर पॉलिनेशन आल्सो पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है, लेकिन सीड के लिए ज़रूरी है वाटर फॉर जर्मिनेशन। सीड्स आल्सो हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल। कि ये डिस्पर्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सीड्स दे हैव सफिशियंट रिजर्व फूड, और ये रिजर्व फूड प्रोवाइड कराते हैं यंग सीडलिंग्स। कि जब सीड, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सीड, और जब इस सीड का जर्मिनेशन होता है तो इससे बनते हैं प्लीम्यूल, और ये बनाता है शूट, और इधर बनता है रेडिकल, और ये बनाता है रूट। तो ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं जब तक कि प्लीम्यूल से लीफ बनना शुरू नहीं हो जाता है। द हार्ड सीड कोट ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन टू यंग
एम्ब्रियो कि हमारे पास में सीड तो है लेकिन इसे ज़रूरत है किसकी, प्रोटेक्शन की। और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, हार्ड सीड कोट। सीड्स ऑल्सो जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन और ये हेल्प करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है और वो विद द हेल्प ऑफ सीड। सीड इट इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ये होते हैं किसी भी सीड के लिए एसेंशियल क्योंकि डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ये सीड के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसलिए हमेशा जो सीड बनते हैं वो कब बनते हैं, जब नेक्स्ट सीजन अनफेवरेबल कंडीशंस का होता है और साथ में ये हेल्प करते हैं क्रॉप फॉर नेक्स्ट सीजन। ओल्ड सीड की सीड का लाइफ स्पान ये होता है काफ़ी ज़्यादा और इसके दो एग्जांपल्स हमारे पास में है। पहला है ल्यूपिनस आर्कटिकस, तो इसके वाइबल सीड अबाउट 10,000 ईयर ओल्ड ये मिले हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो आर्कटिक टुंड्रा में जब खुदाई की गई तो वहाँ पर सीड मिले ल्यूपिनस आर्कटिकस के और ये सीड थे वाइबल। सेकंड एग्जांपल है फीनिक्स डैक्टिलिफेरा और इसे कहा जाता है डेट पॉम। तो इसके 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड्स ये मिले हैं ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेविशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी, जो मृत सागर है उसके किंग हेरोड पैलेस पर जब आर्कियोलॉजिकल खुदाई की गई तो वहाँ पर मिले 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सीड ये ऑल्सो हेल्पफुल होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।